झुकी झुकी सीन नजर बेकरार है कि नहीं दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं झुकी झुकी सी नजर जा जा बालम हाय दिस इज़ नेहा करोड़े आई एम अ सिंगर सॉन्ग राइटर एंड यू सींग मी ऑन बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस आई जस्ट वांट टू शेयर दैट अभी एक फिल्म आई है कॉल्ड आलिया बासु गायब है इसमें मेरा गाया हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गाना है कॉल्ड ओइ सुनबे प्लीज चेक इट आउट तू रिंग मेरे सामने कर हार स्वीकार मैंने तोड़ दिए देख तेरे सारे अहंकार ना थोड़ा सा ही दे ना जरा सा दिमाग खत्म है ये तेरा अहंकार ओए सुन बे साले तेरी क्या औकात आलिया बासु गायब है अब आलिया को तो पता नहीं लेकिन आई एम नैस टू लोकेट नेहा करोड़े जिन्होंने इस एक क्राइम थ्रिलर फिल्म में एक बहुत ही पावरफुल इन योर फेस गाना गाया है अब मेरी कोई औकात नहीं लेकिन ओई सुन बे नेहा जरा ये तो बता कि आलिया बासु कहाँ है <laughs> आलिया बासु कहाँ है ये जानने के लिए आपको तो फिल्म देखनी पड़ेगी एंड प्लीज देखना बिफोर वी टॉक अबाउट एनी थिंग एंड यू नो गिवेन योर सरनेम नेम करोडे एंड आई बिलीव यू विल बी वेरी स्केयर टू गो टू सपना ब्यूटी पार्लर बिकॉज इफ यू गो दै सपना आपसे कहेगी कि ओ बे एक करोड़ देना नेहा <laughs> That's really funny. Uh, मेरे नाम को लेके तो बहुत जोक्स बचपन से ही चलते आए हैं एक तो मुझे पकोड़े बुलाते थे सब लोग करोड़े पकोड़े आई डोंट नो क्या लिंक है बट बुलाते थे एंड uh, एक uh, राखी सावंत का भी एक शो आया था आई थिंक uh, कोई शी वॉज लुकिंग फॉर अ वर इन दैट शो तो मेरे दोस्तों ने का बताया हाँ हाँ तो मेरे दोस्तों ने बताया कि अगर नेहा का स्वयंवर हुआ तो इट विल बी कॉल्ड कौन बनेगा अच्छा सो इट्स करोड़े एज अच्छा ओनली करोड़े ओके फाइन पोएट्री अपील्स टू द प्योरेस्ट लेकिन जब किसी गाने में आप ऐसे शब्द सुनते हैं ओई सुन भे तेरी क्या औकात सो कैन वी से दैट इट इज बाउंड टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द मासेस अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स आई डोंट थिंक दर इज अ शॉक वैल्यू टू एट एनी मोर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज मैनी मेनी मूवीज़ और ये बहुत सालों से डिस्कशन चल ही रहा है कि क्या मूवीज़ में एक्सप्लेटिव um, यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए और ये कॉन्वर्सेशन इतने साल से हो रहा है कि अब रेगुलर लैंग्वेज काफ़ी हद तक फिल्मों में आ ही चुकी है तो मैं भी मतलब मुझे देख के लगता होगा कि मैं फ़ाइन पोइट्री पढ़ती हूँ मैं पढ़ती हूँ लेकिन साथ साथ मैं भी बातचीत में ओए कह देती हूँ सो इट्स अ रेगुलर थिंग Uh, which is, I think, uh, what uh, Dr. Sagar, who's the writer of the song, was trying to bring into the uh, the language of the song, which is that it's regular language, but at the same time, you are being a little aggressive towards patriarchy because hmm. the song is an attack on patriarchy in general, okay. um, and the song is not in line with the concept um, uh, with the narrative of the movie. But the concept of the movie is such that we realize that.

एंड कॉन्सेप्ट ये है कि औरतें डर नहीं रही अब औरतें आके कह रही है सामने से कि नहीं यू you नो know, आप हमें कंट्रोल नहीं कर सकते हो हमारे पास भी अब एजेंसी है टू लिव आर लाइफ ऑन आर ओन टर्म्स सो इट्स जस्ट अबाउट दैट एंड इट नीड्स टू बी एंजॉयड इन दैट सेंस एग्रेशन एंड आर थिंग सिनेमा एंड ऑल्सो इन म्यूजिक so how does it feel to have a female uh, singer uh, such a song you know that is filled with uh, so much of aggression and dare it's a rarity uh, which is why i really enjoyed performing it uh, but at the same time like i said i think people are pretty sensitized uh, desensitized actually to women also using such language or such language being used in general and it doesn't necessarily need to be in a very very negative or in a very violent form anymore that language ज बिकम अ पार्ट ऑफ एवरी डे लाइफ सो वाइन देर इज अ सर्टन डिग्री ऑफ शॉक वैल्यू आई डोंट थिंक डॉक्टर सागर वेंट ओवर द टॉक विद द शॉक वैल्यू आई थिंक ही वॉज जस्ट आई नो मेक अ स्टेटमेंट यूजिंग एवरी डे लैंग्वेज इन अ स्लाइटली क्रूड फॉर्म क्या कभी है? किसी की औकात पूछनी चाहिए आई डोंट थिंक पूछनी चाहिए मगर क्या होता है कि जब एक चीज आपको बार बार हर्ट कर रही है या किसी वजह से आपको विक्टिमाइज किया जा रहा है तो एक पॉइंट आता है जब आप टूट जाते हो और फिर आप किसी चीज़ से डरते नहीं हो तो मुझे लगता है कि इस गाने में वो पॉइंट दिखाने की कोशिश की है कि विमेन एटलीस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट मूवी हैव रीच दर बॉइलिंग पॉइंट एंड दे लाइक वी हैव नथिंग टू लूज एनी मोर सो नो दिस इज़ नॉट योर प्लेस टू कंट्रोल एनी मोर वो चीज़ कह रहे हैं तब वो औकात का जिक्र हो रहा है हालांकि रोज रोज़ Uh, में इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए लेकिन उस गाने में क्रिएटिवली उस चीज़ को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है यू वर्क एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर फॉर वाई कॉम एटीन और शायद एक साल के लिए आपने काम किया था अब क्या इस एक साल में काम करने के बाद आपने क्या इतने पैसे कमा लिए दैट यू अ फ्रीलांसर म्यूजिशियन एंड आई थिंक दिस इज ईयर जब आप फ्री कर रही हैं um... एक्चुअली इट वॉज इट वॉज माई फर्स्ट जॉब तो इट वॉज अ पॉइंट ऑफ एंट्री इन टू दिस सिटी ऑफ ड्रीम्स अज दे से एंड मुझे हमेशा से म्यूजिशियन बनना था तो मुझे पता था कि जैसे अभी है दुनिया हमारी जहाँ पे म्यूजिशन इंडिया के किसी भी कोने में रह के फिल्मों में भी काम कर सकते हैं अच्छा म्यूज़िक क्रिएट करते हैं हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए उस टाइम पर ये थोड़ा सा कम था हालाँकि यूट्यूब काफ़ी बड़ा था लेकिन थोड़ा सा कम था ये तो मुझे पता था कि मेरे सप सपनों को मुकम्मल करने के लिए शायद मुझे बॉम्बे आना जरूरी है एंड वो नौकरी एक अच्छा जरिया था मेरे लिए एंड आई रियली एन्जॉयड इट बिकॉज आई ट्रेन टू बी अ फिल्म मेकर एंड आई रियली रियली वटेड टू टेक ऑन फिल्म मेकिंग मगर जब मैं यहाँ आई और मैंने एक्चुअली कुछ सेट पे जाके काम किया असिस्ट किया मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद वो मेरी उतनी ज़्यादा कॉलिंग नहीं है मुझे सबसे ज़्यादा सुख मिलता है जब मैं मेरे स्टूडियो में बैठती हूँ म्यूज़िक बनाती हूँ अच्छा ई चलता है कभी भी कॉफ़ी ला सकती हूँ खुद के लिए सेट uh, पे काम करना बहुत मुश्किल होता है कोई आवर्स का हिसाब नहीं होता जो कि म्यूजिक में भी नहीं होता है लेकिन कम से कम आप ज़्यादातर एक कम्फर्टेबल स्पेस में होते हो सेट uh, पे इतना कंफर्ट था नहीं ऑल्सो एज अ वुमन आई वाज वन ऑफ द फ्यू वेमेन ऑन द सेट एंड ये बहुत बड़ा इश्यू था दैट वी डेंट हैव प्रॉपर बाथरूम्स फॉर वेमन वो आर वर्किंग ऑन द सेट लाइक फॉर एक्टर्स दे वो देयर बट फॉर स दैट एंड वीकेंड का हमें बारह बजे तक काम करना है लेकिन सुबह का कॉल टाइम भी साढ़े छह बजे या सात बजे का है फॉर द क्रू सो आई फेल दैट इट वॉज नॉट द कांड ऑफ क्वालिटीड I prefer editing, like from the filmmaking side of things, I like being an editor, I like directing. But uh, being on set was not a lot of fun for me. And at the same time I was I had just started going to a studio for getting mixes done for the Viacom work, Viacom side of things. So uh, I met a few people, I became friends with them. Or studio experience proper music, studio, recording, mic, or मुझे पता था कि अब मैं यहाँ से नहीं हटने वाली हूं मुझे पता था कि मुझे मेरा प्यार मिल गया है बट क्या इस जॉब ने आपको में कुछ हेल्प किया? लेकिन हाँ क्योंकि मुझे बॉम्बे में आने के लिए चांस मिला बॉम्बे में रहने का चांस मिला यहाँ के अच्छे अच्छे टेक्नीशियन से मिलने का मौका मिला तो डेफिनेटली मुझे हेल्प किया सानू Uh, for a recreation of uh, the great melody, Tuje Dekha ye Jana Sanam. Just summarize that experience. That experience was phenomenal, otherworldly. Um, primarily because, as artists, we have um, a whole wish list of other artists and companies that we want to work with. I thought Kumar Shanu Sir was so out of my reach that I don't even think he was on my radar as a person I could collaborate with and possibly be in the same frame with in a video. So, it was an otherworldly experience, and the highlight of it all for me was that um, I got to have certain conversations with him, and he gave me so many amazing tips on being a, on being a very organic artist. Because, um, I mean, we're sitting in my house, it's technically my studio, I'm always on my computer, I'm always working, I'm well versed with technology. He told me the opposite.

वो बहुत ही अच्छे थे उन्होंने इमीडिएटली मुझे बोला हेलो नेहा एंड एंड आपने बहुत अच्छा गाया मैंने उनको एज बोला एज एक्सपेक्टेड बोला कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैंने आपका शायद हर एक गाना सुना होगा एंड वेरी वेरी नाइस सुन बेट इज़ एन औरजिनल कॉम्पोजिशन और इसे यूट्यूब पर आई हुए कुछ आ, शायद दस दिन हो गए हैं और अब तक इसके ट्वेंटी वन थाउजेंड व्यूज है यूट्यूब पे और दूसरी और दिस रिक्रिएशन विद कुमार सानू इसको दो हफ्ते हो गए हैं और इसके व्यूज है थ्री पॉइंट वन मिलियन ये चीज़ ये आंकड़े आपको क्या जताते हैं ये आंकड़े मुझे यही जताते हैं कि कुमार शानू सर लेजेंड है नहीं, उसके उसके कुछ भी नहीं है बिकॉज़ फैक्ट दैट कुमार शानू सर का गाना तो वो तो होना ही था बल्कि और 10-15 मिलियन होने चाहिए हो जाएंगे सर <laughs> का फ़ैन फॉलोइंग क्रेजी है मतलब आ, मैंने कमेंट्स देखी फिर मैंने देखा कि मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं आ, कि अरे आपने कुमार शानू सर के साथ काम कर लिया और ये कितनी खुशी की बात थी ये जान के कि यू you नो know, एक आर्टिस्ट का वैल्यू जब इंसान समझ लेता है तो वो इंसान हमेशा के लिए उनका फ़ैन बन जाता है तो सर का भी कुछ ऐसा ही है कि ना तो सिर्फ पुराने जनरेशन के लोग बट अभी के जनरेशन के लोग भी सर के बहुत बड़े फ़ैन हैं ही टिन सॉन्ग्स और जो आपके गाए हुए गाने हैं शायद uh, जो प्रसिद्ध गाने हैं वो रीप्राइजेस है uh, लेकिन जब तक एक सिंगर यू you नो know, उसे अपना एक ओरिजिनल एक ग्रेट मेलडी नहीं मिलती uh, तो शायद तब तक उसकी पहचान बनती नहीं है आम, मैं तो दोनों ही चीज़ें करती हूँ मैं अपना एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक का साइड में मेरा चल ही रहा है प्रयत्न Uh, जिसमें मैं गाने हर एक दो महीने में निकालने की कोशिश करती हूँ वो तो है ही एम कॉन्स्टेंटली सिंगिंग फॉर फिल्म आई हैव ऑल्सो डन अ लॉट ऑफ रिक्रिएशंस फॉर सारे गमा एज यू मेन्शनड सो मुझे तो नहीं लगता ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ है कि एक सिंगर को अपना ट्यून गाना ज़रूरी है आप किसी और का ट्यून बहुत खूबसूरती से रेंडर करते हो वो भी एक बहुत बड़ी बात है एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सनम hmm. uh, जिस तरह का फेम उनको मिला जस्ट बिकॉज ही ब्रॉट समथिंग सो इंटरेस्टिंग एंड यूनिक टू एग्जिस्टिंग ट्यून्स विच पीपल ऑलरेडी लव्ड पीपल आई डोंट थिंक हिज फैन बेस अज स्टॉप ग्रोइंग एवर सिंस ही ब्लू अप ऑन यूट्यूब ट्यूब इज जस्ट ह्यूज सो आई डोंट थिंक उस चीज़ का इतना महत्व है मगर मेरे लिए बहुत महत्व है क्योंकि आई एम आई माई मेन गोल हैज ऑलवेज बिन टू बी अ वेरी वेरी गुड सिंगर सॉन्ग राइटर तो इसलिए मैं तो अपने गाने निकालती रहती हूँ और जितना मेरे फिल्मों के गानों को ऑडियंस मिलता है शायद मेरे पर्सनल गानों को उतना नहीं मिलता अभी hmm. लेकिन मुझे पता है कि जितना भी ऑडियंस मिलता है उन गानों को वो लोग मेरे फैंस कंसिस्टेंटली रहते हैं okay. वो लोग कहीं जाते नहीं हैं तो बस उसी की संख्या बढ़ानी है मुझे ओवर टाइम पर्सनली जो मेरा फेवरेट आपका रिप्राइज रहा है uh, this I was very excited about that because I think uh, it was one of the first songs I ever dubbed in Bombay, and I was very very grateful because uh, Rana Mazumdar Da, uh, who's who, who's really helped me hone my craft, uh, gave me the opportunity. Ki, you know, a film ke liye apko label ke liye ko and it was written by none other than Amitabh Bhattacharya. So I just Rana Da ko wo gaana gun ke thoda sa tha. and he said this is nice, but इट नीड्स टू बी मोर इट नीड्स टू बी मोर इंटरेस्टिंग एंड जब हम स्टार्ट आउट कर रहे होते हैं ना हमें उतना आइडिया नहीं होता कि हम एक गाने में अपना आर्टिस्ट वाला एलिमेंट कैसे लाए क्योंकि अल्टीमेटली हर गाना जो सक्सेसफुल है उसमें दो चीजें रही हैं एक तो कंपोजर क्या बता रहा था आर्टिस्ट को और फिर आर्टिस्ट ने उसी चीज को अपने स्टाइल से कैसे रेंडर किया तो आई थिंक दैट सॉन्ग वज वन ऑफ द स्टार्टिंग सॉन्ग्स विच हेल्प मी इन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग माई सिंगिंग स्टाइल एंड माई वॉइस अलॉट बेटर

फिर उसका एक डाउन पीरियड आया और अब शायद इट्स यू नो इवन दो वी आर इन अ डिजिटल वर्ल्ड लेकिन आज भी चलता तो सिर्फ प्लेबैक म्यूजिक ही है बट वही है इन्हें जो आप जैसे युवा हैं हैं सिंगर्स उनके लिए कितना मुश्किल है कि जो एटीज नाइन्टीज है इवन बिफोर उस टाइप की मेलोडी क्रिएट करना सी मेलोडीज आर लेजेंडरी एंड उस टाइम पे क्या था कि रेडियो पे आता था अगर टीवी पे दो तीन प्रोग्राम्स थे उसमें आते थे वही गाने रिपीट पे चलते थे तो लोगों को ना एक अपॉर्चुनिटी दी जाती थी एक गाने को समझने की फिर से सुनने की वो गाना मेमोराइज हो जाता था इंटरनलाइज हो जाता था इसलिए उन गानों का लाइफ स्पैन बहुत लंबा रहा है hmm. तो इसीलिए वेरियस जनरेशन जब पास हो जाते हैं तब लोग बोलते हैं अरे वो बेस्ट म्यूजिक था hmm. वैसा मेलोडी अब नहीं बन सकता Correct. मगर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है वैसा मेलोडी अपनी जगह बहुत अच्छा था और hmm. अभी कोई एक मेलोडी बना रहा है किसी चीज़ से कम नहीं है किसी चीज़ से ज्यादा भी नहीं है वो मेलोडी की अपनी एक जगह है तो आई थिंक वॉट द यूजल क्रिटिक दैट कम्स इज दैट वी हैव लेस मेलोडियस सॉन्ग्स कमिंग आउट एंड दैट कैन बी एंट्रीब्यूटेड टू पीपल्स डिमांड इज वेल लाइक द मोमेंट अ वेरी फास्ट नंबर विथ सिंगुलर सिंगुलर नोट्स एंड अ नाइस हुकी म्यूजिक साउंड कम्स आउट पीपल ऑल्सो कैच ऑन टू इट दैट मीन्स देर इज सम वैल्यू इन पीपल्स माइंड फॉर दैट इज़ वेल so i think at this point of time because sara, there's an influx of various kinds of music there's a space for every kind of music it just depends on the listener so jis listener ko melody the hai will listener zarur melody melodious gano ki taraf gravitate karega to, bante gaane, i think listener will bas dhoondhna padega us chizko. hindi cinema is struggling over the last few years and playback music shayad a footnote hai नहीं इंडस्ट्री हैज़ आप इतिहास देखें तो हर दौर में यू you नो know, गोल्डन एरा में तो खैर द ग्रेट सिंगर्स थे लेकिन उसके बाद आ, वेदर इट्स मेल और फीमेल ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन वॉइस रहती है और उन्हीं के साथ उन्हीं को काम मिलता है तो फिर एक ऐसी इंडस्ट्री में यू नो हाउ डू द नेहा करोडीज गेट दया क्वालिटेटिव वर्क साइड टू एवरी थिंग सो वाइल

जिनसे लोग खुद को इमीडिएटली लोगों को एक रिकॉल वैल्यू मिले उसमें हम एक अलग जॉनर को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो उस पर मैं अभी उतना ज्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ लेकिन मैंने दो तीन गाने बना के रखे तो आई एम होपिंग टू रिलीज दम सून बट आई वर्क विथ वेरियस राग्स इन दैट आई वर्क विद यमन एंड पॉपुलर जो बंदिश है ना जैसे

तो उसमें चैलेंजेस की बात नहीं है बट इट्स जस्ट दैट आई एम सिंगिंग सिंगट मोर नाउ फॉर ऑफ पीपल तो वो जो टाइम का एक मैनेजमेंट है उसमें ना हम इतना ज्यादा फोकस नहीं डाल पाते हैं ऑन ऑन ओन सॉन्ग्स आई आई थिंक दैट्स मी नीड टू प्लान टाइम बेटर प्लेबैक म्यूजिक की बात करें तो आने वाले फ्यूचर में आ, कुछ बता सकती हैं कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में अब आप बात कर सकती हैं आई के नॉट टॉक अबाउट एनी थिंग लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ मेरा अगला गाना जो आ रहा है It's actually an English song, Mehu oh. Nikalbr. Okay. And uh, not a lot of people know this, but I was not very, very well versed with Hindi until the age of 12-13. Okay. So the primary language in which I did poetry as a child was actually English. Oh. So I keep feeling the urge to go back to English hmm. poetry or English writing. So every year may ache English song. So okay. this is gonna be that song. But it's called English called. independent.

इतना ज्यादा हमें डेटिंग पे जाना पड़ रहा है अच्छा डेटिंग पे लोग गोस्ट करते हैं होते हैं तो उन चीजों के ऊपर हमने थोड़ा सा एक uh, uh, hmm. एक सोशल टाइप लेके फनी तरीके Audience surprises us every other day. There are so many films that are touted to be big successes on which a lot of money is put, and those films don't end up doing well. And those films are backed by people who have been analyzing data uh, about um, viewers for years and years. So we will never ever be able to completely comprehend what the audience wants. I think the only thing which we can do on our own is we can try to create something that is good and that. Um, That is complete. Like, जिसमें लॉजिक हो तो वही कोशिश जारी है कि मेरा काम कन्फ्यूज नहीं लगना चाहिए क्या बनाया आपने आई एम होपिंग इट्स नॉट बिकॉज आई वो मेक मोर फिलट्रीज बनाई अ ग्रूप प्रोजेक्ट दैट वॉज

Okay. Um, so my mom is the director of a museum. She's been associated oh. with the field of art for many, many years. She's written Chava. a lot of books. And my father is an architect and he he's a very interesting person because he does pottery on the side. So now wow. yeah, he's been making very, very interesting pots and he's been a bird photographer for quite a few years. Wonderful. Or <laughs> I think Delhi Meto Winter Mai Kafi, they are they always travelling, they have oh. a more interesting life than I do. I mean, I sit my computer at home all and call my parents, they are like, we had a party, nahin. how can we call you back? <laughs> I am like, you will come home, you will reach by 1 o'clock, Yes. That's so sweet. <laughs> do you have any siblings? No, I don't. I am very happy about that. Oh. sure <laughs> So like, you were pampered a lot then? Um, I, I think I was pampered a lot. Uh, my parents will always say that I was a sweet kid, so I didn't need special pampering, but I think I was very, very pampered. And I'm grateful for that because uh, I would get very jealous otherwise. I didn't want to share the love of my parents with anyone else. But I've had dogs all my life, so I'm sharing it Okay. <laughs> I know you're a Jagjit Singh fan. So, kya, jate jate koi ki baat <laughs> I, I really, really like Jagjit Singh. Um, आई कैन सिंग ऑफ यू लाइव झुकी झुकी बेकरार है कि नहीं दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं झुकी झुकी लाखों नहीं करोड़ो में एक दट वेरी स्वीट थैंक यू सो मच ने फॉर टॉकिंग टू बियॉन्ड बॉलीवुड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी